जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीनन माने आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मैं ऐसे जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी प्रकार की जानकारी कोई भी नहीं बताने वाले। देखिए दोस्तों, दीपावली और धनतेरस का दिन खासकर धन की देवी मां लक्ष्मी, कुबेर जी महाराज, देवताओं के वैद्य धनवंतरी तथा बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम एवं पवित्र दिन माना जाता। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ भी चल एवं अचल संपत्ति को घर में खरीद करके लाया जाए तो इसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीद करके अपने घर में जरूर लाते हैं और इस दिन खरीदे गए जो सामान होते हैं लंबे समय तक टिका रहता है। कुछ ना खरीदें पाए तो इस दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया घर में खरीद करके लाए। धनिया का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। धनतेरस की रात धनिया पर इत्र लगा करके घर के चारों दिशाओं में छिड़क देने से ही इत्र युक्त जो धनिया होता है धन को चुंबक की तरफ खींचने का काम करता है, क्योंकि जो इत्र की सुगंध होती इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, बेहद खिंचाव चली आती है और धनिया स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। इसलिए इत्र लगा धनिया घर में ला करके घर के घर उत्तर दिशा में या फिर संपूर्ण दिशा में अगर आप धनतेरस के दिन छिड़काव करते हैं या छींचते हैं तो बिल्कुल ही आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। वीडियो ध्यान से देखना। तेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में तो धनतेरस के दिन हर कोई झाड़ू खरीदना शुभ मानता है, जरूरतमंद लेकिन झाड़ू की खरीदारी करने में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, तो आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू का दान भी करना चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां और साथ ही घर की दरिद्रता दूर हो जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में अगर कल अखिलेश ज्यादा हो, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद ज्यादा रहते हो, तो भी धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी तरह की झाड़ू खरीद सकते हैं, चाहे सीखोगी हो, चाहे फूल झाले हो, लेकिन झाड़ू जब आप खरीद कर लेकर आए तब आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू के साथ कोई भी ईठी चीज, जैसे कि आप चाहे तो मिठाई, बताशे या खिलौने भी जरूर साथ लेकर आए। ऐसा करने से ही झाड़ू के साथ शुभ फल की प्राप्ति आपको हो सकेगी, साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा भी सदा आपके घर पर बनी रहेंगी। और कहा जाता है कि झाड़ू जितनी ज्यादा घनी हो, जितनी ज्यादा मोटी हो, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू किसी के टूटी भी ना हो या कटी फटी ना हो, तो ऐसी झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन शुभ मानते हैं। नई झाड़ू खरीदने के साथ ही शाम को धनतेरस की जब पूजा की जाती है प्रदोष काल में, तब आपको नई झाड़ू भी घर के मंदिर में जिस जगह पूजा करते हैं पास में ही रखें, झाड़ू की भी पूजा करें, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी हमारे घर पर सदा वास कीजिए। और पूजा करने के बाद आप झाड़ू के हैंडल पर सफेद रंग का धागा, आप चाहें तो कच्चा सफेद सूट भी प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार आपको घुमाकर गांठ लगा देनी है, 3 गांठ आप लगाएगा और फिर झाड़ू को आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही झाड़ू अगर आप हो सके तो 3 झाड़ू एक साथ खरीदे। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप एक झाड़ू का दान मंदिर में कर दीजिए। एक झाड़ू का दान आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन गुप्त दान झाड़ू का करते हैं तो कहते हैं कि उससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, तो आप सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाकर यह झाड़ू रखकर आ जाए। आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है,
क्योंकि जब आप झाड़ू का गुप्त दान करेंगे तो धनतेरस के अगले दिन आप इस उपाय को कर पाएंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं और दान की जाने वाली झाड़ू भी धनतेरस के दिन ही खरीदी हुई होनी चाहिए। तो आप अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले उठकर स्नान करने के बाद आप झाड़ू को प्रणाम करें और किसी गुप्त जगह पर आप दान कर सकते हैं। अक्सर घर में कलह क्लेश होती है, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद ज्यादा बना रहता है, तो ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि लोग अपने घर पर रखी गई झाड़ू का सम्मान नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, घर में झाड़ू कभी भी ना तो खड्डी करके रखनी चाहिए और ना ही उल्टी झाड़ू रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही घर में बहुत ज्यादा कलह क्लेश होता है। सबसे पहली बात कि घर में रखी गई झाड़ू इस तरह से आप रखें कि किसी को वह नजर ना ये, आप चाहे बैठकर नीचे आप रख सकते हैं, छुपाकर, यहां तक कि आपके घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी झाड़ू आसानी से नजर ना आए। अगर आपके पास घर में पहले से ही कोई पुरानी झाड़ू है और आप उसे फेंकना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर कभी ना फेंके और ना ही कभी सूर्यास्त के बाद झाड़ू फेंके घर में, ना तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी लगानी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर पर आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मत्स्य पुराण में झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और झाड़ू लगाने से घर में दलिता भी हट जाती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो आज यानी कि धनतेरस की रात को पूजा करने के साथ ही एक दिया आप नई झाड़ू के पास, या अगर आपकी पुरानी झाड़ू भी है जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं, उसके पास जरूर जलाकर रखें। झाड़ू से कभी भी किसी जानवर को या गौमाता को मारकर नहीं भगाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा बनी रहती है, साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू को कभी पैर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से भी पैर लग जाए तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी नाराज होकर हमारे घर से चली जाती है। अगली सबसे जरूरी बात कि घर परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी भी दिन, चाहे वो कोई त्योहार का दिन हो या कोई शुभ कार्य हो, किसी खास काम से बाहर निकल रहा हो, चाहे वो अपना नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हो, कोई बहुत बड़ी चीज की खरीदारी करने जा रहा हो, तो उनके जाने के बाद तुरंत कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जिसे कभी किसी को उधार में अथवा इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए, चाहे कोई कितनी भी विनती करे, लेकिन अपने घर की झाड़ू कभी दूसरों को मत देना, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। चाहे तो आप नई झाड़ू खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन आपके घर की झाड़ू कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। साथ ही आप कभी दूसरों के घर की झाड़ू को अपने घर में लेकर ना आए और उनकी झाड़ू से अपने घर को साफ ना करें। झाड़ू केवल खुद के पैसे से खरीद कर ही लानी चाहिए और उसी से घर को स्वच्छ करना चाहिए। झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार को माना गया है। शनिवार के दिन आप नई झाड़ू खरीद कर लेकर आए और उसकी पूजा करने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। झाड़ू की पूजा किए बगैर कभी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को घर के एक कोने में रखकर हल्दी और कुमकुम से उसकी पूजा करें, उसके दूसरे दिन उसका प्रयोग करें। पुरानी झाड़ू को कभी भी एकादशी, गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन झाड़ू घर से बाहर निकालने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। इससे अच्छा आप पुरानी झाड़ू को घर की उत्तर पूर्व दिशा में संभाल कर रखें, जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े। इस दिशा में पुरानी झाड़ू रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। ध्यान रहे, झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है। आप किसी मंदिर में शनिवार के दिन झाड़ू का दान जरूर करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है।